अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग 8 का एंथम कब रिलीज होगा, कौन गा रहा है पीएसएल 8 का एंथम, तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आई है वो आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ अफरीदी जो बैंड हुए हैं इसकी क्या कहानी है ये आपको बताऊंगा, और पीएसएल 8 की कमेंट्री पैनल की क्या लिस्ट है, कौन कौन है पीएसएल 8 की कमेंट्री पैनल में, तो ये भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर पहली दफा आए हैं, वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और कमेंट सेक्शन में दोस्तों कोई भी सवाल होता है आप लाजमी किया करें। आपसे मैंने बार बार एक रिक्वेस्ट की है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, सवाल करें, कोई भी आपने वीडियो देखी है अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप जो है वो एक स्टिक का निशान बनाए, ताकि जो है वो मुझे पता चले कि आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई दिया करें। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीएसएल 8 का एंथम कौन गा रहा है, तो उसका नाम है शाहिद गिल। पीसीबी ने अभी थोड़ी देर पहले ऑफिशियली अपने जो है वो अपडेट दी है कि शाहिद गिल पीएसएल 8 का एंथम गाएंगी, और इनका जो मशहूर जो सॉन्ग है वो पसूड़ी, आपको पता है पसूड़ी में इन्होंने जो है अली सेठी के साथ गाया था और बहुत मशहूर यानी कि ये सॉन्ग हुआ था। इसके साथ सुकून में भी आपको ये शाहिद गिल आपको मिलेंगी जिन्होंने ये सॉन्ग गाया था। तो पीएसएल 8 का जो ऑफिशियली जो अब आ गई अपडेट कि शाहिद गिल जो है वो पीएसएल 8 का एंथम गाएंगी, जो पहले अपडेट आ रही थी कि अली जफर गा रहे हैं या आतिफ असलम गा रहे हैं या इसके अलावा दूसरे नाम आ रहे थे, वो सारे नाम जो है वो अब साइड पे हो गए हैं क्योंकि पीसीबी ने ऑफिशियली बता दिया है कि शाहिद गिल पीएसएल 8 का एंथम गाएंगी। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि एंथम कब तक रिलीज होगा, तो ये भी एक आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं कि जो स्पेकुलेशन चल रही है, कंफर्म डेट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि 10 फरवरी को ऑफिशियली पीएसएल 8 का एंथम जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो देखते हैं कब तक होता है, लेकिन जो मेरे पास इतलात थी वो मैंने आपको बता दी है कि 10 फरवरी की इतलात आ रही है कि 10 फरवरी को पीएसएल 8 का सॉन्ग जो है वो आ जाएगा, और जो सिंगर है वो भी मैंने आपको बता दी है कि शाहिद गिल जो है वो पीएसएल 8 के सिंगर है। अब दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि अफरीदी जो बैंड हुए हैं ये क्या कहानी है, तो मैं आपको बताता जाऊं कि सबसे पहले आप परेशान ना हो कि शाहिद अफरीदी या शाहीन अफरीदी बैन नहीं हुए, बल्कि आसिफ अफरीदी बैन हुए हैं और ये 2 साल के लिए बैन हो गए हैं क्योंकि पीसीबी के एंटी करप्शन कोर्ट की इन्होंने जो है वो खिलाफ वर्जी की थी, कोड ऑफ कंडक्ट की, और उसके बाद अब पीसीबी ने इनको 2 साल के लिए बैन कर दिया है। आसिफ अफरीदी वही है जो केपीएल में भी आपको याद होगा जिस टाइम शाहिद अफरीदी की टीम जीती थी तो उसमें आखिरी ओवर आसिफ अफरीदी ने कराया था। इसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से लास्ट सीजन आसिफ अफरीदी खेले थे, और मुझे अच्छी तरह से याद है जब फाइनल भी मुल्तान सुल्तान का हुआ था तो उस प्लेइंग 11 में भी आसिफ अफरीदी शामिल थे। तो अब 2 साल के लिए इनको बैन कर दिया गया है, ये भी एक अपडेट है। और जो लेटेस्ट लास्ट अपडेट है वो पीएसएल 8 के कमेंट्री पैनल की लिस्ट है, जो मैंने कहा मैं आप सबको बताऊं कि पीएसएल 8 के कमेंट्री पैनल में कौन कौन है। सबसे पहले आपको बता दूं कि रमीज राजा जो है वो पीएसएल 8 के कमेंट्री पैनल में इस दफा नहीं होंगे, और पीएसएल के लिए ये एक बड़ा सेटबैक है कि रमीज राजा जैसा कमेंट्री पैनल के लिहाज से, कमेंट्री में तो रमीज राजा किंग है पाकिस्तान के क्योंकि कमेंट्री में इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए नाम रोशन किया है, लेकिन पीएसएल 8 में रमीज राजा नहीं नजर आएंगे, और उसकी वजह आप सबको पता है नजम सेठी और रमीज राजा का जो तनाजा चल रहा है वो इतना आसान नहीं है कि रमीज राजा मान जाए। तो अब जो लिस्ट है वो ये है, साइमन डॉल जो है वो होंगे, एलन वाइकन्स होंगे। एलन वाइकन्स शुरू से पीएसएल में है और इन्होंने हमेशा जो है वो पीएसएल को बड़ा सपोर्ट किया है, तो इनका नाम जो है मुझे बड़ी खुशी है कि इस दफा भी है। इसके साथ साथ वकार यूनस होंगे, डैनी मॉरिसन होंगे, अरूज मुमताज हैं, बाजिद खान हैं, निक नाइट हैं, सना मीर हैं, इसके साथ साथ डेरन गंजा हैं, मार्क बुचर हैं, डोमिनिक कॉर्क हैं, वर्नन फिलेंडर हैं, सिकंदर बख्त हैं, मरीना इकबाल हैं, और लास्ट में जो नाम है वो है तारिक सईद। तो ये दोस्तों पीएसएल 8 के कमेंट्री पैनल की लिस्ट है जो 15 मेंबर पे शामिल है। मैंने कहा मैं ये अपने दोस्तों को आज की तमाम अपडेट जो है वो दूं, और जो सबसे बड़ी अपडेट थी वो पीएसएल 8 के सॉन्ग की थी, शाहिद गिल जो है वो पीएसएल 8 के का सॉन्ग जो है वो गाएंगी। तो दोस्तों मैंने कहा मैं आप सबको ये अपडेट्स दूं, तो दोस्तों इसी तरह चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्रिकेट की आपको हर तरह की अपडेट, आपको पीएसएल की कवरेज हो या फिर आपको कोई और अपडेट हो आपको लाजमी मिलेगी क्रिकेट के फैन पर, इसलिए ज़रूर दोस्तों क्रिकेट के फैन के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें। पीएसएल आने वाला है मेरी, आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं तमाम टीमों की प्लेइंग 11 बनाऊं, क्या मेरे ख्याल में क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, और आप लोग सुनना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मैं आप लोग अगर आप लोगों को चाहते हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं ज़रूर इस पर भी वीडियोज़ बनाऊंगा। तो दोस्तों अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और बेल नोटिफिकेशन के आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। तो अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।